नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्राणपुर प्रखंड के एक्टिव कंपनी बुधनगर के प्रांगण में जनसुमित्रा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा तकरीबन 100 गरीब असहाय एवं वृद्ध ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण किया गया। जनसुमित्रा एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवनाथ कुमार सिंह, सदस्य दिलीप कुमार दिवाकर के द्वारा बताया गया कि एक्टिव कंपनी बुधनगर के परिसर में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित कर जनसुमित्रा एजुकेशन ट्रस्ट के मुख्य अतिथि समाजसेवी जगदीश कुमार सेन उर्फ मणि सिंह के द्वारा प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के तकरीबन 100 गरीब असहाय एवं वृद्ध ग्रामीणों के बीच कड़ाके की ठंड को मद्देनजर रखते हुए कम्बल वितरण किया गया। मौके पर वरिष्ठ अतिथि जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी, पार्टी के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जयलाल सिंह, कुशवाहा अंजलि कुमारी एवं ग्रामीण मौजूद थे। सोमवार को आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति मधेपुरा की बैठक में प्रमुख एजेंडा दिया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत। एफएमटी विभाग में 4 मॉर्क अटेंडेंट को बहाल करने एवं उनके मानदेय का दर हेतु अनुमोदन की स्वीकृति। एंटोनी विभाग में 4 डिस्कशन हॉल अटेंडेंट को बहाल करने एवं उनके मानदेय का दर हेतु अनुमोदन की स्वीकृति। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर में 5 चापाकल लगाए जाने का स्वीकृति। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर में महिला एवं पुरुष हेतु अलग अलग यूरिनल, शौचालय एवं स्नानागार बनवाने की स्वीकृति। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर से कचरा उठाव हेतु नगर परिषद या अन्य कचरा निस्तारण एजेंसी हेतु दर निर्धारित करते हुए अनुमोदन की स्वीकृति। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के सुरक्षा हेतु पुरुष एवं महिला पुलिस बल की तैनाती हेतु पुलिस अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी से मांग करने की अनुमति के संबंध में। अस्पताल हेतु 15 ट्रॉली मैन पुरुष एवं महिला एवं 25 फायर बॉय पुरुष एवं महिला को बाह्य स्रोत से रखने की अनुमति। बीसीएन न्यूज के लिए बिहार मधेपुरा से आरजू अंसारी की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।